अच्छा गुरुकुलम में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जीपीएससी मेंस है जो कि हमारा दिसंबर या दिसंबर मंथ पे होने वाला है उससे रिलेटेड हम लोग मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाई द इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज द बर्डन ऑफ डिजीज हैज शिफ्टेड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम एक्यूट टू क्रॉनिक। सिंपल से बात हो रही है, यहाँ पे पहला लाइन में बोलना चाह रहा है कि जो बर्डन ऑफ डिजीज है वो हमारा इंडियाज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या फर्क पड़ रहा है। और जान ही रहे हैं कि ये जो अभी जैसा कि हमारा हेल्थ केयर सेंटर सिस्टम है, जो हमारा जो फिजिक एक इंडिविजुअल का जो अपना लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो बिहेवियर है वो काफ़ी चेंज हुआ है, उसकी वजह से जो एक्यूट डिजीज होता है वो किस में कन्वर्टली शिफ्ट हो रहा है, दैट इज क्रॉनिक केयर में और क्रॉनिक डिजीज में। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द चैलेंजेस एंड हाउ द आयुष्मान भारत प्रोग्राम टेकल दीज टू डिलीवर द टेंजिबल बेनिफिट्स ऑन अ लार्ज स्केल। तो इन दिस इसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आयुष्मान भारत स्कीम जो में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लाए थे, तो ये जो इस टैकल कैसे किया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पता ही मेंस राइटिंग में क्या होता है, पहले एक इंट्रो होता है, छोटा सा इंट्रो होता है, फिर हम लोग कनेक्शन वन बाय वन हम लोग कनेक्ट करेंगे बॉडी के साथ, फिर फाइनली कंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू आंसर हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे इस तरह, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, एक रिपोर्ट था, ओवर ट्वेंटी परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन सफर फ्रॉम एटलीस्ट वन ऑफ द नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। तो यहाँ रिपोर्ट के अनुसार बोलना चाह रहा है कि 20% ऑफ द पॉपुलेशन सफर कर रहा है किस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से। अगर बात करें इंडिया के रेस्पेक्ट में, तो ये जो इंडिया विच आर एस्टिमेटेड टू कॉस्ट इंडिया दैट इज $6.2 trillion ड्यूरिंग द पीरियड 2012 से 2030। तो देखो ये जो पैसा था, मीन्स ये जो एस्टिमेट किया जा रहा है कि इतना कॉस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पैसा खर्च कर रहे हैं किस पे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दैट इज एक्यूट डिजीज पे खर्च कर रहे हैं। तो ये जो हमारा $6.2 trillion है ये क्या कर रहा है, हम लोग इंडियाज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक पार्ट ले सकता था, पर ये जो पैसा हम लोग किस में खर्च कर रहे हैं, डेट इज वी आर हम लोग खर्च कर रहे हैं हमारा डिजीज पे। आगे बात करते हैं एज पर WHO के अनुसार क्या हो रहा है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अदर क्रॉनिक डिजीज सच एज कैंसर, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और क्रॉनिक डिजीज में कौन कौन सा डिजीज आते हैं, कैंसर हो गए, हार्ट एलमेंट, हार्ट रिलेटेड इश्यूज, रेस्पिरेटरी डिजीज एंड द डायबिटीज किल्स 38 million people ग्लोबली एवरी ईयर। देखो 38 million people ग्लोबली एवरी ईयर, हर साल इतना पीपल मरते हैं किससे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और क्रॉनिक डिजीज से। इन द ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रीटिंग एक्यूट इलनेस टू द क्रॉनिक इलनेस, ये जो हम लोग ट्रीट कर रहे हैं फ्रॉम एक्यूट इलनेस टू द क्रॉनिक इलनेस, इसमें क्या होता है कि एक ह्यूमन, एक अगर मेन प्लेयर कौन है, एक पेशेंट है, दैट इज अ की प्लेयर इज द पेशेंट शिफ्टिंग हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स डीलिंग विद द हेल्थ प्रॉब्लम बाय मेकिंग द लाइफस्टाइल चेंज। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल, एक पेशेंट अपना लाइफस्टाइल को चेंज कर करके अपना जो ट्रीटमेंट है जो एक्यूट इलनेस में नहीं ले जा सके। एज अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर विजन दैट इज टू प्रोवाइड बेस्ट हेल्थ केयर टू द पुअरेस्ट टू द पुअर एज अ मैटर ऑफ राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च किया था आयुष्मान भारत दैट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड रोल दिस गेम चेंजर इनिशिएटिव फॉर 55 crore पुअर एंड वल्नरेबल सिटीजन। तो देखो एक गेम चेंजर इनिशिएटिव लिया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और कितना पीपल को हेल्प करेगा, डेट इज 55 crore पीपल एंड जो कि वल्नरेबल कंडीशन में है, जो कि पुअर है। आयुष्मान भारत के की पॉइंट अगर देखा है, आयुष्मान भारत स्कीम डेट इज टू मेजर इनिशिएटिव इन द हेल्थ सेक्टर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर डेट इज रिलेटेड टू द प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम्स ये किस में जाएगा, डेट इज सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर सिस्टम में, टू एड्रेस द हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स होलिस्टिकली इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सिस्टम। तो इनका पर्पस क्या था, दो मेजर इनिशिएटिव लिया गया, दैट इज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, पर्पस क्या, डेट इज टू एड्रेस द हेल्थ केयर प्रॉब्लम होलिस्टिकली इन बोथ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, कवर बोथ प्रिवेंशन एज वेल एज प्रोमोशन प्रोमोशन ऑफ द हेल्थ, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, ये हमारा एक खुशी की बात होती है कि ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम है। आयुष्मान भारत स्कीम का जो मोटो हमारा क्या है, डेट इज स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डेट इज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर डेट इज रिलेटेड टू द प्राइमरी, और नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम किसके अंदर कवर होता है, डेट इज टर्सरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर। व्हाट आर द चैलेंजेस की बात करें डेट इज रिलेटेड टू द आयुष्मान भारत, पहला चैलेंजेस आता है डेट इज इनएडुकेट फंडिंग, पहला हो गया इनएडुकेट फंडिंग,
प्रॉपर एंड ट्रांसपेरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑन सच अ लार्ज स्केल, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंट एंड जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है, ये चैलेंजेस हो जाते हैं। लिमिटेड एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज एट अ वेरी वेरियस लेवल ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, लिमिटेड एज वेल एज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। जो हॉस्पिटल्स जो हमारे पास जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके पास एक लिमिटेड और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके वजह से क्या हो सकता है, ये भी एक चैलेंजेस का आयुष्मान भारत के हर्डल्स हैं। लेक ऑफ कैपेसिटी टू रेस्पॉन्ड टू अ लार्ज डिमांड ऑफ बेड, लेक ऑफ कैपेसिटी हॉस्पिटल में बेड कमी है, तो ये भी एक चैलेंजेस है। प्राइवेट प्लेयर फेस वेरियस हर्डल्स, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स फेस करते हैं। ह्यूज डिले इन रिइंबर्समेंट टू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मान लेते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर मान लें आयुष्मान भारत का यूज़ होता है तो वहाँ पर क्या होता है, एक ह्यूज डिले, काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है इन द रिइंबर्समेंट टू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। पॉलिटिक्स ऑफ द पार्टीज विल हिंडर द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट, और पॉलिटिक्स ऑफ पार्टी भी हमारे एक हर्डल्स हैं। अगला साइलेंट फ्यूचर, डेट इज साइलेंट फ्यूचर अगर बात करें, पहला है डेट इज मूव टुवार्ड्स द गोल ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मूव टुवार्ड्स द गोल ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये सिग्निफिकेंस पहला पॉइंट। क्रिएटिंग द स्वस्थ भारत, दूसरा पॉइंट। एसेसिबल हेल्थ केयर एट सेकेंडरी एंड द टर्शरी लेवल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम बॉटम ऑफ 40% ऑफ द पॉपुलेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ये जो हेल्थ केयर एट सेकेंडरी एज वेल एज टर्शरी लेवल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम बॉटम ऑफ 40% ऑफ द पॉपुलेशन, मीन्स ये एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जनरेशन ऑफ लैक्स ऑफ जॉब डेट इज पार्टिकुलरली फॉर वीमेन, लैक्स ऑफ जॉब क्रिएट हो रहा है। बेनिफिट डेट इज कवरेज ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर, एक अच्छा पॉइंट है। कैन अवेल बेनिफिट्स इन बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट फैसिलिटीज और प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ये जो चैलेंजेस है, चैलेंजेस का वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकता है। तो वे फॉरवर्ड में पहला हो गया कैटेगराइज हॉस्पिटल्स इनटू एंट्री लेवल, प्रोग्रेसिव लेवल एज वेल एज एक्रेडेशन लेवल। हम लोग क्या करेंगे, हॉस्पिटल्स को कैटेगराइज कर देंगे डेट एट लेवल ऑफ एंट्री लेवल, प्रोग्रेसिव लेवल एंड एक्रेडेशन लेवल। अगला है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन फॉर एसेसिबल एंड अफोर्डेबल पेशेंट्स कैन टू द लास्ट माइल ऑफ द कंट्री, तो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे और साथ में डिजिटलाइजेशन का, ताकि एसेसिबल, ये एसेसिबल हो सके टू द लास्ट माइल ऑफ द कंट्री, मीन्स फ्रॉम द गांव से भी पीपल यहाँ पे आकर के यूज़ कर सकते हैं ये जो आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड को। वे फॉरवर्ड से रिलेटेड और पॉइंट है डेट इज़ नीड फॉर प्रॉपर मेडिकल क्लेम सिस्टम एंड फ्रॉड कंट्रोल मैकेनिज्म, हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ज़रूरत है प्रॉपर मेडिकल क्लेम सिस्टम का एज वेल एज इन ऑर्डर टू कंट्रोल द फ्रॉड कंट्रोल मैकेनिज्म। एफेक्टिव कोलेबरेशन होने चाहिए बिटवीन द सेंटर्स एंड द स्टेट एंड द इंडस्ट्री, स्टेट शुड हैव फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेट के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए एज कॉस्ट कुड वेरी इन टायर वन सिटीज टू टायर टू सिटीज। तो कह के देखो, अगर मान लेते यहाँ पे एक हॉस्पिटल है झुमरी तिलैया में और एक हमारे कोलकाता में, तो ये सिटीज और सिटीज क्या हो सकता है, कॉस्ट वेरी कर सकता है, तो स्टेट शुड हैव फ्लेक्सिबिलिटी एज द कॉस्ट वेरी इन टायर वन एंड टायर टू सिटीज। प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड द गवर्नेंस ऑफ ऑपरेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट ऑफ आयुष्मान भारत, प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए और गवर्नेंस जो है रिलेटेड टू द ऑपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ द कंप्लेंट्स, टाइमली रेजोल्यूशन होना चाहिए कंप्लेंट्स का। फाइनली हम आप कंक्लूड करेंगे डेट फाइनली अ प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज कैन मेक द नेशन साउंड, एक अच्छा वर्ड यहाँ पे कंक्लूड डाल सकते हैं कि फाइनली अ प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज कैन मेक द नेशन साउंड एंड दस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी इन ग्रोथ एंड प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी एंड मेक द नेशन स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्परस। ये जो बात लिखी गई कि एक इंडिविजुअल अगर हेल्थ काफ़ी अच्छा है, एक नेशन का जो हेल्थ है काफ़ी बढ़िया है, तो उससे प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारा इकोनॉमी में। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं एक हेल्दी पीपल है, हेल्दी पीपल को क्या मिला, साउंड एंड वेलनेस हेल्थ टू द इंडिविजुअल, मीन्स एक बहुत अच्छा उसको हेल्थ सिस्टम मिला, वो इंडिविजुअल काफ़ी हेल्दी है। हेल्दी होने से क्या होगा, एफेक्टिवनेस एंड अलर्टनेस है उसके अंदर, जो एफेक्टिवनेस हो या अलर्टनेस हो इंक्रीज हो जाएगा रिलेटेड टू दे वर्क। एफेक्टिवनेस और अलर्टनेस जैसे इंक्रीज हुआ, इससे क्या होगा, उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा, जैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, जब प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो इससे क्या होगा, हेल्थ इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये क्या, इकोनॉमी में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, कोई सेक्टर में काम कर रहा है तो ऑलरेडी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, GDP हमारा इंक्रीज हो जाए, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड द प्रॉस्परस नेशन। अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, प्रॉस्परस हो चुके हैं, तो हमारे पास क्या, बहुत सारा डेवलपमेंट स्कीम्स ला सकते हैं इन ऑर्डर टैकल द हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। तो एक साइकिल जो बन रहा है, साइकिल से हमारा क्या हो रहा है, ओवरऑल एक इंडिविजुअल अगर हेल्दी है तो फाइनली वो इकोनॉमिक, इंडियाज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या रोल प्ले कर सकता है। दस स्कीम इज इनोवेटिव एंड पाथ ब्रेकिंग इन द हिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ इन हेल्थ विच मे हैव ट्रांसफॉर्मेशन इम्पैक्ट,
इफ इम्प्लीमेंटेड इन एन एफेक्टिव एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर। यहाँ पे यही बात बोल रही है कि ये जो स्कीम है काफ़ी इनोवेटिव एंड पाथ ब्रेकिंग है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और अगर इसको एक प्रॉपर ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए इन एन एफेक्टिव एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर।